स्कूल सिक्ख्या ते लोक निर्माण मंत्री पंजाब विजेंद्र सिंगला ने अज रूपनगर दौरे दौरान जिला प्रशासन ते सेहत विभाग वालों कोविड 19 दी स्थिति नाल निजिठण लई कीते गए प्रबंधां दा जायजा लिया। इस मौके कैबिनेट मंत्री ने एकांतवास कीते गए पॉजिटिव मरीजां नाल फोन ते गलबात कीती अते चल रहे इलाज ते होरना प्रबंधां बारे भी जानकारी हासिल कीती। इस मौके पत्रकारां नाल गलबात करदे विजेंद्र सिंगला ने दस्सिया है कि सूबे विच कोविड 19 दी महामारी नाल निजिठण लई पंजाब सरकार वल्लों लोड़ींदे प्रबंध यकीनी बनाए जा रहे हैं तां जो मरीजां दी ढुकवीं सांभ संभाल की जा सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कुछ शरारती अंसरां वल्लों कोविड 19 दी टैसटिंग विरुद्ध अफवाहां फैलाईआं जा रही ने जो कि बिल्कुल गलत ने। उन्होंने कहा कि मैडिकल स्टाफ और सफाई सेवकों वल्लों इस महामारी दौरान अपनी सेहत की परवाह किए बगैर तनदेही नाल अपनियां सेवावां दित्तियां जा रही ने जिसले पूरा पंजाब खासकर पंजाब सरकार उन्हां दी धन्नवादी है। सेंटर गवर्नमेंट खोल रही है या सेंटर गवर्नमेंट ने किया है सानू पता नहीं। साड़ी सरकार दा क्लियर फैसला है कि जब तक कोरोना दी महामारी ठीक नहीं हो जाती उदों तक असी कोई स्कूलों नू खोलण वास्ते प्लैनिंग नहीं की। कैबिनेट दे विच भी डिस्कस होया सी और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का क्लीयर आदेश है कि आपां जब तक करोना ठीक नहीं हुंदा स्कूल नहीं खोलने क्योंकि साढ़े वास्ते बच्चों की सेफ्टी ते सिक्योरिटी। देखो सरकार ने जोरदार तरीके हदायत की सी कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी बच्चे तो फीस चार्ज नहीं करेगा जब तक वो बच्चों ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रहा होगा या बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं लै पा। कहीं छोटी क्लासा के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लै भी नहीं पाते पर लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने प्राइवेट स्कूलों के क्योंकि फी रेगुलेशन एक्ट जो होंगे वो उपर कई बार कोई सरकार इनफ्रिंज नहीं कर सकती तो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला प्राइवेट स्कूलों के हक दिता सी। सरकार ने मुख्यमंत्री साहब ने एडवोकेट जनरल साहब ने डबल बेंच के उपर जोरदार तरीके असी लड़ाई लड़ी है। फैसला हाले आया नहीं है डबल बेंच का जब फैसला आ जूगा फिर असी उस गल के उपर काबू पा सकांगे पर इन द मीन टाइम है सारे वो परिवार जिहड़े जिन्हां दी आर्थिक कमजोरी है उन्हां विच जो हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला आया उहदे च उन्होंने ये कहा कि जिहदी आर्थिक कमजोरी है वो अपने पहला स्कूल नूं लिख के देण कि साडे च आर्थिक तंगी है तो जे स्कूल वाले नहीं मनदे तां उह वाला गल नूं डीओ को लिख के देण तां कि सानूं समझ आ सके कि उहनां दी आर्थिक कमजोरी है तो उन्होंने फीस ना लिती जाए। ये डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दी है तो इस गल नूं असी इन बिन लागू करन वास्ते हर स्कूल ते हर पेरेंट्स के वास्ते असी हाज़र हैं लेकिन जिथे तक गल फीस चार्ज करन दी गल है ये प्राइवेट स्कूलों के हक च हाई कोर्ट ने फैसला दिता है इस करके सरकार डबल बेंच से उसनों फाइट कर रही है। सर ट्यूशन फीस के ना तो सारी फीस ही ले जा रही है कि पता मैं उही कह रहा ना मैं तो कह रहा क्योंकि हाई कोर्ट ने हुण उन्होंने हक च फैसला देता। मैं तो अज तो दो महीने पुराने ऑर्डर की गल कर रहा जिहड़ा सरकार ने कढ़िया सी पर उस ऑर्डर के खिलाफ प्राइवेट स्कूल वाले हाई कोर्ट के गए तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उन्होंने हक च ऑर्डर देता। सरकार डबल बेंच के उपर सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। डबल बेंच का ऑर्डर आऊगा जब तक नहीं आ रहा उदों तक सिंगल बेंच ने जो फैसला किया वो ये कहा कि जिहदी आर्थिक कमजोरी है वो अपने पहला स्कूल के प्रिंसीपल नूं लिख के देवे डॉक्यूमेंट्स कि साडे फाइनैंशियल प्रॉब्लम है तो जे स्कूल नहीं मानता तो डीओ नूं देवे जदों जिहड़ा जदों गल डीओ दे एम्बिट च आऊगी तो सरकार वो परिवारों नूं ते वो पेरेंट्स नूं रिलीफ दवाउण वास्ते बिल्कुल तकड़े तरीके नाल खड़ी है। अगर सरकार ऐसे कदम लै रही है किहदे वास्ते लै रही है फॉर द बेनीफिट ऑफ द पीपल लोगों के भले वास्ते लोगों के फायदे वास्ते असी इस गल नूं कीता है कि असी करोना की महामारी तो अपने पंजाब के लोगों नूं बचा सकीए और उस दे करके सरकार वक्त वक्त सिर सख्त तो सख्त कदम ले रही है। और ये मैं जिम्मेवारी नाल कहना चाहुंदा कि सानू सारयां नूं मिल के WHO दीआं गाइडलाइनस नूं फॉलो करना चाहिए और समय समय से जो माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे डायरेक्शनस आंदियां उन्हां नूं सानू मनना चाहिए क्योंकि वो साढ़े अपने हितों में है अगर असी उस गल नूं मनदे हां तो ये गल नूं सोचते हुए तो जे कोई लोग सख्ती नूं नहीं मनदे तो ये उहदा नाल किसी होर का नुकसान नहीं हो रहा उन्हां दा अपना नुकसान हो रहा। सो ये गल तो सेंस ऑफ रिस्पोंसिबिलिटी की गल है जे असी अपने आप नूं इस गल नूं जिम्मेवारी नाल समझांगे तो आई थिंक वी आर डूइंग कुछ नहीं है। आपां सब नूं पता है कि आपां सारे करोना की महामारी च पिछले 4-5 महीनों तो जूझ रहे हैं तो हुण करोना की जिहड़ी बीमारी है साडे सूबे विच स्केल अप हो रही है। हर जगह ते जिथे जिथे सरकार वल्लों करोना दे पेशेंट्स नूं रखण वास्ते प्रबंध किया गया आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं अज चाहे वह हस्पताल है तो चाहे वह आइसोलेशन सेंटर है उस दे उपर असी विजिट रखी है ये देखण वास्ते कि किथे किथे किस किस चीज़ की कोई कमी है ताकि उन्हों दूर कर सकी और जो काम
ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰਸ ਛੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਉਸੇ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ BBMB ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਕਨੈਕਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਤੱਲਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ, PR ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੌਂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੰਡਿਤ ਵਿਖੇ